ये वो करोड़ों रुपए की स्कूटियां हैं जिन्हें खुले आसमान में खड़े हुए 1 से 1.5 साल हो गया है। प्रतिभावान छात्राओं को इनको बांटना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसमें बहुत लंबे समय तक देरी होती रही। खुले आसमान के नीचे खड़ी ये स्कूटियां अब बेकार हो चुकी हैं, और शायद अब ये स्कूटियां किक मारने से भी स्टार्ट नहीं होंगी। 2021-22 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत ये स्कूटियां छात्राओं को दी जानी थी, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता और उसके बाद लोकसभा चुनाव की वजह से लगी आचार संहिता और वित्त विभाग से इसके लिए QR कोड जारी नहीं होने से इससे लाभान्वित होने वाली छात्राओं को अभी तक इन स्कूटियों का वितरण नहीं किया जा सका है। पिछले 1-1.5 साल में ये करोड़ों की स्कूटियां धूल खा रही हैं और अभी तक ये बांटी नहीं गई हैं। खुले आसमान में 1200 से ज्यादा ये स्कूटियां खड़े खड़े अब बेकार हो चुकी हैं। मामला जब बड़ा हुआ तो TVS कंपनी की ओर से मजदूर भेजकर कॉलेज वालों ने झाड़ियों में से स्कूटी बाहर बरामदे में रखवा दी। जब राजस्थान तक के रिपोर्टर संजय सोनी कॉलेज पहुंचे तो वहां कॉलेज में काम करने वाला पियोन मिला। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा अभी तक QR कोड जारी नहीं होने से इसका वितरण नहीं किया जा सका है। जैसे ही सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो संबंधित छात्राओं को इसका वितरण कर दिया जाएगा। कि यदि वित्त विभाग के आदेशों के अंतर्गत QR कोड जारी कर दिए जाए छात्राओं के लिए, तो जल्दी ही हम उसे शोरूम में भिजवा करके और यह जो स्कूटी वितरण का कार्य है वह समय पर प्रारंभ हो सकेगा। तो वहीं इसे लेकर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रूत ने भजन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी प्रचार में कम लगकर सरकार को उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। कालीबाई शिक्षा की देवी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी रास्तापाल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, तो बच्चों में पूरे राजस्थान की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति एक जागृति आई, एक मोटिवेशन मिले, उस उद्देश्य से हमने कालीबाई स्कूटी योजना का नामकरण कराया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वर्तमान जिला प्रशासन और भजनलाल सरकार की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने की वजह से आज बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल पा रही है। बच्ची स्कूटी आ गई है, स्कूटी वहां पड़ी हुई है, वो धूल चाट रही है, लेकिन सरकार उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो मेरा विशेषकर सरकार से यही अनुरोध है कि पार्टी प्रचार में कम लग के राज्य की जो योजना है उस योजनाओं को धरातल पर लागू करें और विशेषकर स्कूटी योजना में जल्दी से इसका समाधान कराए। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज स्कूटी जंग खा रही है, बालिकाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई हो। तो वहीं सरकार में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसी महीने लड़कियों को इन स्कूटियों का वितरण कर दिया जाएगा। देखिए, बांसवाड़ा में 700 नहीं है, 1500 स्कूटी है। 3000 स्कूटी 2023 में आई थी, 1500 वितरण हो गई और 1500 अभी वितरण नहीं हुई है। इसके पीछे QR कोड जो जारी होता है वो नहीं हुआ। पिछली सरकार को ये करके उसी समय देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। हम सत्ता में आने के बाद में तुरंत लोकसभा चुनाव आ गए और अब ये स्कूटियां हैं, ये हम प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी महीने में बहुत जल्दी इनको वितरण करके उन बच्चियों को पहुँचाएंगे जिनको आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि पुरानी स्कूटियां अभी तक बालिकाओं के पास पहुंची नहीं है और नई स्कूटियों के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अफसरों की लापरवाही ने पहले ही छात्राओं के सपनों पर पानी फेर दिया और रही सही कसर चुनावों ने पूरी कर दी। अब ये स्कूटियां छात्राओं तक कब तक पहुंचेंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए बांसवाड़ा से संजय सोनी की रिपोर्ट।